ये जो वीरात्रा माता का जो धाम है ये चौहटन से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और पहाड़ियों की तलहटी के अंदर स्थित काफ़ी अच्छा धाम है। तो इसकी जो अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसमें बताया जाता है कि जो राजा विक्रमादित्य थे जो कि उज्जैन के राजा थे, उन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त करी और फिर वहाँ पे जो हिंगलाज माता का शक्तिपीठ है वहाँ पर दर्शन करे और माता जी से उन्होंने प्रार्थना करी कि मेरे साथ चलिए आप और उज्जैन पे चलें। तब माता जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और उज्जैन जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन माता जी ने आकाशवाणी करके एक वचन लिया कि तुम उज्जैन तक जाओगे तो रास्ते में पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तो ये वचन स्वीकार करते हुए विक्रमादित्य वहाँ बलूचिस्तान से रवाना हुए और कहा जाता है कि वो रात होते होते यहाँ चौहटन के आसपास पहुँच गए थे रात गुजारने के लिए। जो ये वीरात्रा धाम का जो मंदिर है, इस जो पहाड़ी है ये इस चोटी पे उन्होंने रात को रुकना निश्चित किया। लेकिन रात होते होते थोड़ा घबरा गए थे जिसके कारण उन्होंने पीछे मुड़ के हिंगलाज जो शक्तिपीठ था बलूचिस्तान की तरफ उस साइड वापस देख लिया। तब वहाँ पे वापस आकाशवाणी हुई, माता ने बोला ने पीछे मुड़ के देख लिया तो मैं अब इससे आगे नहीं जा सकती। और फिर वहाँ पे भी विक्रमादित्य ने माता का धाम बनाया। तो यहाँ पे जो मंदिर है वो दो है, एक तो जो ये पहाड़ी है इसकी चोटी पे स्थित है जो कि लगभग 1500 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, और इसके अलावा एक मंदिर नीचे की तरफ है। जो नीचे की तरफ मंदिर है उसकी भी कहानी है। कहा जाता है कि एक वृद्ध महिला थी, वो यहाँ पर दर्शन करने आई और माता से उन्होंने गुहार करी कि माता मैं इतनी ऊपर ऊंचे पहाड़ पर नहीं आ सकती दर्शन करने के लिए, लेकिन मेरे को आप दर्शन करने हैं। तो माता ने उनकी सुनी और एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ी से लुढ़क कर नीचे आया और वो पत्थर टूट गया और कहते हैं कि उसी में से जो माकल माता की जो मूर्ति है वो उस पत्थर में से निकली। ये जो बाकल माता की यहाँ पर मूर्ति है इसकी जो गर्दन है थोड़ी सी झुकी हुई है तो इनको इसलिए इनका नाम बाकल माता पड़ा हुआ, मतलब बाकी गर्दन राजस्थानी में कहे तो। और वीरात्रा इस जगह का, इस धाम का नाम वीरात्रा इसलिए पड़ा क्योंकि विक्रमादित्य के नाम से लिया गया है और रात्रि में उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था इसलिए वीरात्रा। तो ये थी छोटी सी स्टोरी। तो जो चौहटन का एरिया है वो पूरा वैसे तो रेगिस्तानी एरिया है और वहाँ पे ये कुछ एक दो पहाड़ियाँ ही हैं जो ये वीरात्रा धाम के आसपास है। यहाँ पे ये सबसे ऊंची जो चोटी है वो है यहाँ पे ये हिल टॉप पहाड़ी पे, और यहाँ से जो व्यू आता है वो काफ़ी अल्टीमेट आता है क्योंकि जैसे आप ऊपर चढ़ के देखेंगे तो बिल्कुल सपाट व्यू आता है। तो ये हिल टॉप की जो आपको चढ़ाई है लगभग 10 किलोमीटर जो इसकी रोड है उसकी टोटल लेंथ है, लगभग 10 किलोमीटर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। इस पूरी पहाड़ी को इंडियन आर्मी ने अपने अंडर में ले रखा है तो आप यहाँ पे शूटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे ऊपर जाने से पहले आपको अपने आधार कार्ड से एंट्री करवानी पड़ेगी और हो सके तो आप यहाँ पे बारिश के मौसम में आए क्योंकि उस समय जो बादल होते हैं वो इस पहाड़ी पर पूरी तरह छाए हुए रहते हैं और पूरी पहाड़ी से झरने चलते रहते हैं। तो आप इंजॉय कीजिए इस पहाड़ी पर चढ़ने का जो ये वीडियो है इसको। तो पहाड़ी पे ऊपर चढ़ने का जो रास्ता है वो काफ़ी सकरा है, तो इस पे 4 व्हीलर लाएँ तो सोच समझ के लाएँ और 2 व्हीलर भी काफ़ी सावधानी से चलाएँ। बारिश के दिनों में ऊपर पहाड़ से जो है पत्थर गिरते हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखें और चढ़ते समय बिल्कुल पूरी सावधानी बरतें।
wanna say nothing. One day.